सवार की जय। जय बाबा जी। जय बाबा जी। ओ मानी दुनिया जय बाबा जी। जी बन सकती जय बाबा जी। जय बाबा जी। जय बाबा जी। यह वह द्वार है जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग पठानकोट मंडी पर स्थित है और यहां से लोग पैदल बस अपनी गाड़ी या टैक्सी लेकर सलोह स्थित गूगा मंदिर पहुंच सकते हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से लोग अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही भक्तों का तांता नजर आता है। यहाँ मान्यता है कि लोग मंदिर के परिसर की चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिससे लोगों के कष्ट दूर होते हैं, मानसिक हों या शारीरिक। ये दोनों कष्टों से यहाँ पर निजात मिलती है। भक्त लोग कई कई चक्कर काटते हैं, कम से कम 7 चक्कर तो काटते ही हैं। ये हैं बाबा जी के गुरु, गुरु गोरखनाथ जी। जल्दी जल्दी चलते हैं।
मान्यता के अनुसार लोग इस पेड़ के चक्कर काटते हैं, जिससे उन्हें मानसिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। इस मंदिर के परिसर में रक्षाबंधन से लेकर के जन्माष्टमी तक पूरे 9 दिनों के लिए लोग इसी तरह से लिंगे तमाम परिसर के चक्कर लगाते हैं और अपने स्वास्थ्य का लाभ। Thank you.
डोरू बनाने बाहर बना दे श्री वेद प्रकाश पुजारी उद्गम मंदिर से लो। मतलब ये जो बाबा जी थे वो हमारे बुजुर्गों के साथ आए हुए थे यहाँ पे। फिर जैसे जैसे बाबा जी ने आदेश दिया वैसे वैसे यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई। फिर पहले तो ये मंदिर मतलब झोंपड़ी थी मतलब। तो इसकी मान्यता बाबा जी की यही है जिसको दुख संकट वगैरह जो भी होते हैं मतलब 100% मतलब ठीक होते हैं। कोई मानसिक परेशानी होगी या मतलब कोई भी होगा जैसे भूत प्रेत जो भी साया होगा वो यहाँ पर आके ठीक होते हैं। और इस मंदिर को बने 170 वर्ष हुए, 170 वर्ष पुराना इतिहास है इसका मतलब। और ये बाबा जी का जन्मस्थल जो है वो इनका जन्मस्थल जो है वो राजस्थान में इनका डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में। और वहाँ पे
इनका जहाँ पे इनका यहाँ पे मतलब जैसे प्याज वगैरह मिलती है और साथ में धागे वगैरह डालते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उससे ही मतलब यहाँ पे संकट में ये नहीं ये कर दिया वो कर दिया ये हो दिया वो हो दिया यहाँ पे मतलब अपने आप ही होगा जो कुछ भी होगा, अपने बाबा जी की कृपा से होगा जो कुछ भी होगा। सुना है कि यहाँ पर सांप के कटे का भी मतलब इलाज होता है। यहाँ पे जैसे इसको सांप वगैरह कट जाता है वो इलाज होता है मतलब यहाँ पे आने पर परिक्रमा लगाने से और धागे डाल और प्यास देने से मतलब ये होता है। और लोगों के कईयों को भ्रम होता है मतलब कि बाबा जी 10 दिन नहीं यहाँ पे निवास होता, उसके बाद जब मर्जी आओ यहाँ पे हर वक्त मतलब आओ यहाँ पे हर वक्त मंदिर खुला रहता है, हर सुबह समारती होती है मंदिर में, पुजारी हर वक्त होते हैं मतलब काफ़ी संख्या में दिन मतलब हर एक समय लोग आते हैं यहाँ पे और भगवान की कृपा से मतलब हर एक संडे को हर एक आतवार को मतलब यहाँ पे भंडारा होता है और भंडारे करने कराने वाले भी श्रद्धालु हैं, कोई दानी सज्जन है मतलब और जो हम हैं मतलब हमारे उनके साथ पूरा पूर्ण सहयोग होता है मतलब उनके साथ। ये जो आजकल ये मेले जो चले हुए हैं ये कब से कब तक होते हैं? ये जी मतलब जब भी रक्षाबंधन होगा मतलब अगस्त में जब भी रक्षाबंधन होगा, रक्षाबंधन से लेकर कृष्ण जन्माष्टमी होगी उसके बाद बाबा जी के रात्रि को जागरण होता है मतलब हर साल होगा मतलब उसके बाद बाबा जी का जो लास्ट दिन वो हवन वगैरह होता है शांति हवन होता है उसके बाद समापन हो जाते हैं और ये कम से कम 10 या 12 रोज चलते हैं बाबा जी का। 10 बार जो रोज होते हैं वो बाबा जी के होते हैं मतलब जैसे नवरात्र होते हैं वैसे बाबा जी के दिन है ये। सावन के मेलों के दौरान 3 दिनों के लिए बाबा जी की पवित्र छतरी आसपास के 4-5 गांवों में ले जाई जाती है। जिन जिन घरों में बाबा जी की छतरी जाती है लोग अपने आप को धन्य समझते हैं और उन्हें लगता है कि बाबा जी हमारे घर आए हैं आशीर्वाद देने। और इस दौरान सभी लोग नंगे पांव रहते हैं, कुछ भगत जन 9 दिन के लिए भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं बाबा जी के लिए। बहुत बड़ी आस्था है और बाबा जी भी उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
चले हो क्या क्या काम चले जन मंदिर के चारों ओर परिसर की परिक्रमा करते रहते हैं और जिन लोगों को भूत प्रेत आदि का साया हो वो अपने हाथ में धूप लेकर के मंदिर की परिक्रमा करते रहते हैं। कई लोगों के जो कष्ट हैं अगर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है थोड़ी सी दिक्कत है तो चक्कर काटते काटते ही उनका साया जो है वो दूर हो जाता है और कुछ उनके शरीर में जोश आता है और इसी दौरान जो यहाँ पर चेले लोग हैं वो जो मानसिक परेशानी में हैं लोग या जिनको भूत प्रेत का साया है वो यहाँ पर ठीक करते हैं और इन 9 दिनों में लोग ठीक होकर के घर जाते हैं ऐसी मान्यता है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में हर रोज़ लोग यहाँ पर आते हैं। जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजन खाना खाते हैं